खबर बलरामपुर जिले से है, जहां पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में युवक की लापता पत्नी का शव झारखंड के गढ़वा जिले के कोयल नदी में मिला है। मृतका रीना मंडल के भाई ने शव की पहचान कर ली है। उन्होंने मर्डर कर डेड बॉडी फेंकने का आरोप लगाया। मृतका के दोनों हाथ बंधे थे, हत्या की आशंका है। रीना मंडल की लाश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस टीम गढ़वा पुलिस से जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि 30 सितंबर को मृतका रीना मंडल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसी दिन उसकी डेड बॉडी मिल गई। करीब एक सप्ताह तक शिनाख्त नहीं होने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर बलरामपुर एएसपी ने कहा कि ये अप्राकृतिक मौत है। मृतका के परिवार ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप दोहराए हैं। से 29 सितंबर को लेके गए, उसी रात को मार दिए सर, और 30 सितंबर को झारखंड के गढ़वा सर थाना, जो कोतवाली थाना की पुलिस उस लाश को रिकवर करती है। तो सर इतना सर जघन्य हत्या एक महिला के साथ में सर नहीं होनी चाहिए ना। हस्बैंड उसको इतना ज्यादा मतलब मेंटली उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया कि वो एकदम ज्यादा हरासमेंट में, प्रताड़ना कभी रुका ही नहीं। उसका हस्बैंड भी उसको बीच-बीच में मारता था, उसको परेशान करता था। हमको जानकारी मिली है कि झारखंड का गढ़वा जो टाउन थाना है, वहाँ पे अननेचुरल डेथ कायम हुई है। एक हमारे यहाँ जो गुम इंसान दर्ज था थाना कोतवाली में रीना मंडल का, उसका भाई उस फोटो को देख के पहचान किया है कि वो उसी का शव है, मतलब फोटो है।